लक्षद्वीप क्या हिंदुस्तान का बाली बन सकता है? डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है जो लोगों का कहना है, कुछ बहुत कम डायरेक्ट फ्लाइट्स है, या अगर फ्लाइट्स नहीं है पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है। आने वाले नियर फ्यूचर में जो नहीं है वो सब संभव होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप चले गए, उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर कर दी। मालदीव्स जो कि पड़ोसी है लक्षद्वीप का, बड़ी मिर्ची लग गई। मालदीव्स को लगा भाई उनका जो मेन, जहां से वो पैसा कमाते हैं वो टूरिज्म है, कहीं प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद से मालदीव्स अफेक्ट ना हो जाए। लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव एक डिबेट चल पड़ी सोशल मीडिया पर। लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है अभी भी नंबर वन पे। लेकिन सवाल ये उठ गया कई लोगों के मन में कि भाई मालदीव्स चलिए हम नहीं जाते, हम लक्षद्वीप जाते हैं, लेकिन जाना आसान क्या है? मालदीव्स तो इंडिया के बहुत सारे लोग जाते हैं, जो वहाँ के आंकड़े दिखा रहे हैं कि लगभग 2 लाख लोग वहाँ पर मालदीव्स चले गए भारत के, लेकिन लक्षद्वीप कितने गए? आंकड़े बहुत कम है लक्षद्वीप के। पहुँचना आसान है कठिन है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है। इसी पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर निखिल हैं, मेरे साथ राहुल हैं। लक्षद्वीप की जब बात आती है, मालदीव से हम कंपैरिजन कर लेते हैं, चलिए टूरिस्ट प्लेस है, मालदीव में भी आपके पास आइलैंड देखने को मिलते हैं, लक्षद्वीप में भी मिलते हैं, लेकिन इंसान जाएगा कहाँ? खर्चा भी एक बहुत बड़ा उसमें फैक्टर आता है कि भाई खर्चा कितना आने वाला है, आप पहुंचेंगे कैसे, कठिनाइयां क्या क्या हैं। लक्षद्वीप क्या हिंदुस्तान का बाली बन सकता है? सवाल ऐसे सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, असलियत क्या है? निखिल हमारे साथ है सर, आपसे हम जानना चाहूँगा मैं सबसे पहले कि सोशल मीडिया के जो सवाल हैं और जो रियलिटी में हमें दिख रहा है, इसी से मैं शुरू करना चाहूँगा आपसे कि भाई हिंदुस्तान का बाली कह दिया गया लक्षद्वीप पे, कोट अनकोट करके उस बात को कह दिया गया, लेकिन लक्षद्वीप के अंदर क्या मादा है वो बनने का? लक्षद्वीप की जो ग्राउंड रियलिटी कहती है, क्या इतनी जल्दी टूरिज़्म अट्रैक्ट कर पाएंगे हम? प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर गए, उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की, आम आदमी जा पाएगा? तो अगर हम बात करें कि भाई आम आदमी जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, हम देखते हैं कि कई सारी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कई सालों से रही है। अगर हम सबसे हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन की बात करें, जो 15 साल से हर यूथ के दिमाग में रहता है, और इनफैक्ट यूथ ही क्यों बोलूँ, 50-60 साल के लोग भी जो रिटायर होने के बाद सपना देखते हैं कि हम लद्दाख कभी ना कभी ज़िंदगी में जाएंगे। और लद्दाख में भी उस तरीके से कभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जब शुरुआत हुई थी। आज से 15-20 साल पहले जब लोगों ने लद्दाख पहुंचना शुरू किया, तो लोग ऑफ रोडिंग और उसको एडवेंचर की तरह लेते हुए, जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि इरशाद कामिल की वो लाइनें थी कि भाई सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो सच में ये था कि जिस तरीके से आप वहाँ पहुँचते थे, मल्टीपल तरीके के कल्चर्स के से होते हुए आप दिल्ली से पंजाब जाते थे, पंजाब में एक तरीके के लोग मिलते थे, पंजाब से आप जम्मू पहुँचते थे, जम्मू में डोगरी लोग आपको मिलेंगे, कश्मीरी लोग आपको उसके आगे श्रीनगर में मिलते थे, फिर आप जोजिला पास, जो कि सबसे कठिन चढ़ाई एक टाइम पर बताई जाती थी, हालाँकि अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं जोजिला पास पे भी, और फिर आप पहुंचते थे द्रास होते हुए, कारगिल होते हुए, जिन जिन के नाम आपने सुने हुए थे, आप पहुंचते थे लद्दाख, और फिर वापस आते हुए आप फिर मनाली, हिमाचल, चंडीगढ़ होते हुए आप दिल्ली वापस आते थे। तो उस तरीके से अगर आप देखें तो कितना सुंदर सफर था। सिमिलरली लक्षद्वीप लोग जाते रहे, ऐसा नहीं है कि अभी तक जाते नहीं थे। डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है जो लोगों का कहना है, कुछ बहुत कम डायरेक्ट फ्लाइट्स है, या अगर फ्लाइट्स नहीं है पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है, बट क्या पता उसी में मज़ा है। तो एक बार लोग एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, और जब शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की तो हर बार ग्रैंड नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को ग्रैंड ही तरीके से किया जाए। तो अगर अभी जैसे आप बता रहे थे करीबन कितने होटल के नंबर्स आपने कुछ बताए थे, क्या नंबर था? बेड्स थे वहाँ पर जो 165 बेड्स की कैपेसिटी ही है लक्षद्वीप में सिर्फ। तो 165 बेड्स की कैपेसिटी है मैं मानता हूँ, लेकिन होमस्टेज भी खुलेंगे, और नए तरीके इन्वेंट होंगे जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, देश भर से लोग वहाँ पे आएंगे जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उन सभी चीज़ों को अगर दिमाग में रखा जाए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है देश के लिए ये चीज़ डेवलप करने की। कंपेयर करना मालदीव्स या बाली से वो मुझे लगता है कि सही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप नरेंद्र मोदी जी की भी बात करें, तो उन्होंने कहीं भी वीडियो रिलीज़ करने के बाद या जो उस पर ट्वीट भी किया, कहीं भी किसी और कंट्री का जिक्र नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से वो मालदीव्स का नाम उत्पन्न हुआ कि उनको टारगेट किया जा रहा है, और मालदीव्स खुद ही उन लोगों ने कहा, उनको इनसिक्योरिटीज़ खुद कहने लगी, और जिसका फल उनको मिला भी है बाद में, वो दे रियलाइज़ कि भाई इंडिया से पंगा लेना इस मामले में गलत होगा, और कहीं कंपटीशन नहीं है। लक्षद्वीप एक बहुत सुंदर जगह है, उसके अलावा भी बहुत अच्छे टापू हैं इंडिया में, अंडमान्स भी हैं जिस तरह लोग जाते रहे। लक्षद्वीप में उतने लेवल पे टूरिज्म कभी प्रमोट नहीं किया गया था, प्रमोट किया जा रहा है, और उसका धीरे 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 हमें फ़ायदा दिखेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिन लोगों को दिक्कत हो रही है कि वहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड डायरेक्ट कोई नहीं कनेक्ट करती है उनको किसी दूसरी स्टेट से,
तो जिस दिन वो बन जाएगी तो शायद वो मज़ा भी नहीं रहेगा। अभी जो कोची तक पहुँच कर और फेरी से जाने का जो मज़ा है, मुंबई से भी जाया जा सकता है लेकिन वो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली नहीं है, बट जिस तरीके से इस समय पहुँचा जाता है उसको इंजॉय करें, लोग जाएँ और देखें वहाँ की खूबसूरती। होटल ज़रूरी नहीं है, लगाने वाले कैंप्स भी लगाते हैं, मनाली में भी कैंप्स लगते हैं, आप कैंपिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है, मेरे ख्याल से तो जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन पहुंचना जो सवाल है कि भाई बड़ा कठिन है, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ पर जाना और एक आम आदमी का वहाँ पर जाना, हम कह रहे हैं कि चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप नहीं हुए, बहुत कम बेड्स की वहाँ पर अवेलेबिलिटी है अभी, लेकिन उसको डेवलप होने में जितना टाइम लगेगा, बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं गवर्नमेंट को भी। एक बार प्रधानमंत्री का चले जाना और उसको एक टूरिस्ट स्पॉट बनाना, कंपैरिजन आपका छोटा नहीं है, आप मालदीव से बाली तक पहुंच गए लक्षद्वीप को बनाने के लिए, चैलेंजेस बहुत हैं। बिल्कुल चैलेंजेस तो है, मगर मैं इसे दूसरे तरीके से देख रहा हूँ। मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि 2020 में जब कोविड की शुरुआत हुई थी तो पीएम मोदी ने एक कलेक्टिव फीलिंग लाने के लिए कहा था कि घर पे सब लोग अपने एक दिए जलाएं, और वो लगभग भारत के सब घरों में एक दिए जलाए गए थे, और वो कलेक्टिव फीलिंग जो आई थी कोविड को लेकर, कुछ मैं वैसा ही देख रहा हूँ। भले पीएम ने खुद कुछ ना कहा हो, बस उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, एक फ़ोटो अपना शेयर किया, और उसके बाद लक्षद्वीप को लेके जो कलेक्टिव फीलिंग आई है भारतीयों में, आप सोशल मीडिया में ट्विटर पे देख ले, यूट्यूब पे देख ले, कहीं भी चले जाएं, लक्षद्वीप कुछ ना कुछ करके लोग कनेक्ट कर रहे हैं, और वो जो कनेक्शन वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं लक्षद्वीप के साथ, अलग अलग टूर ऑपरेटर्स की बात कर ले या जैसे ईज माई ट्रिप या अलग अलग कंपनीज हैं, वो लोग जो कनेक्शन एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं लक्षद्वीप के साथ, तो इससे पक्का लगता है कि आने वाले नियर फ्यूचर में जो नहीं है वो सब संभव होने वाला है। और ये जो कलेक्टिव भारतीयता की फीलिंग है, 140 करोड़ लोग जब एक साथ सोच रहे हैं कि नहीं, सब कुछ छोड़ के अगर कोई टूरिस्ट जगह होना चाहिए तो वो लक्षद्वीप होना चाहिए, एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पे, भले जैसे आपने बताया कि 160 कमरों का होटल है, मगर आज मैं कुछ लोग जो वहाँ गए थे उनका रिएक्शन सुन रहा था कि वो दे आर इन्जॉइंग इट, मज़ा आ रहा है उनको। तो ये कलेक्टिव फीलिंग से मुझे लगता है कि 140 करोड़ लोग जब मिलके कुछ करना चाहेंगे और सरकार खुद कुछ करना चाहती है तो रिजल्ट बहुत अद्भुत होने वाला है। बिल्कुल, रिजल्ट तो यहाँ पर एक हमें देखने को मिलेगा ही, लेकिन एक चैलेंजेस की जो मैं बात कर रहा था कि चलिए आप एक लक्षद्वीप को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, ब्रांड बनाने के जो तरीके होते हैं उस पर भी आना ज़रूरी है। सोशल मीडिया की अगर हम बात कर लें, सिर्फ सोशल मीडिया से किस तरीके से पूरा उफान आया हमने देखा। क्या ये तरीके हो सकते हैं कि भाई कुछ वहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स को ले जाया जाए, वो वहाँ पर चीज़ों को प्रमोट करना शुरू करें, लक्षद्वीप की जानकारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लोगों तक लाई जाए? नहीं, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कुछ टाइम से एक कंट्री है कजाकिस्तान जो कि काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को इन्वाइट कर रही है और उनके थ्रू अपनी कंट्री को प्रमोट कर रही है। कजाकिस्तान एक ब्यूटीफुल कंट्री है बट लोग यूरोप जाना प्रेफर करते थे, तो अब लोग कजाकिस्तान की तरफ भी जाने लगे हैं। कजाकिस्तान को इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत पड़ी, बट शायद इंडिया में एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है जो उन इन्फ्लुएंसर्स से भी मिला जुला के भी बहुत बड़ा है। उसने खुद जब वो वीडियो पोस्ट कर दिया, बिना कहे सब कुछ कह दिया है। अगर एक पूरी कंट्री इनसिक्योर हो सकती है उस मैसेज के बाद, तो इंडिया मेरे ख्याल से जागरूक हो चुका है और पहुँचेंगे, खुद एक्सप्लोर करेंगे। मतलब आप टी वी लेते हैं तो मेरे को पता है कि आपको डेमो के लिए एक बंदा आता है, लेकिन हर बार आप डेमो का वेट नहीं करते हैं, आप खुद एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। तो और इनफैक्ट मैं एग्जांपल देना चाह रहा था, जब से मैं आपको बता भी रहा था कि मेरे गांव में अगर मैं बात करूं तो बीर बिलिंग एक जगह है हिमाचल में, बीर आज से 7-8 साल पहले कोई नहीं जानता था। 2014-15 में अराउंड पहली बार वहां पे पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप किया गया, तब से पहले भी पैराग्लाइडिंग हुआ करती थी, बहुत कम होती थी, बट जिस दिन से वो वर्ल्ड कप हुआ है आज का इंफ्रास्ट्रक्चर, देर आर एटलीस्ट दिन की करीबन 30 से 35 डायरेक्ट वॉल्वो बसेज आपको दिल्ली से मिल जाती हैं जिनसे आप डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और वहाँ पे होटल्स की बात करें तो 5-6 साल पहले मैं भी एक बार घर पे ना रुक के वहाँ रुकने की कोशिश करी, बहुत अच्छे मेरे को टेंट्स वाले होटल मिले थे जो कि आई थिंक लक्षद्वीप में भी बनाना चाहे तो 15 दिन में बन जाएंगे। तो टेंट वाले होटल में मैं भी रुका, और इस समय की अगर मैं बात करूं तो करीबन 60 या 70 प्लस होम स्टेज प्लस होटल्स हैं, 6 साल में इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो हर जगह का एक अपना एसेंस होता है, वो एसेंस भी मैं मानता हूँ कि वो ब्यूटी भी थोड़ी शायद कम हो जाएगी इतने सारे लोग आ जाएंगे, तो बेस्ट तो यही रहेगा कि जितनी जल्दी जा पाए और नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करें। क्या आप फ्यूचर में ये भी देखते हैं कि एक इंटरनेशनल स्पॉट भी बन सकता है लक्षद्वीप के अंदर, क्या वो आप पॉसिबिलिटी देखते हैं? खूबसूरती है वहाँ पर नो डाउट,
बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि बाकी डेस्टिनेशंस भी इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुई हैं। हम देखते हैं पहाड़ों की तरफ भी जाएं तो इज़राइल के लोग काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को दिख जाते हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज से लोग रेगुलर बेसिस पे। आजकल जिस तरीके से रिलीजियस रुझान भी हुआ है फॉरेनर्स का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का, हम देखते हैं हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, हर जगह हमें फॉरेन टूरिस्ट मिल जाते हैं। तो बिल्कुल लक्षद्वीप भी एक डेस्टिनेशन बनेगा, बट मैं फिर वही कह रहा हूँ कि उनके आने से पहले हम खुद एक्सप्लोर करें। मेरा तो ये लगेगा कि भैया सब लोग जाएं और खुद जाके देखें कि क्या मज़ा आता है, और वो रॉनेस को एंजॉय करें, क्योंकि 5 साल के बाद शायद वो मज़ा नहीं रहेगा। उम्मीद करी जाए कि अगर 6-7-5 साल सरकार फिर से अगर आती है और नितिन गडकरी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि एक पुल खिंच जाए कोची से लेकर लक्षद्वीप तक और हम रोड बाय रोड भी ट्रैवल कर पाएँ, तो वो भी हो सकता है। लेकिन फिर मज़ा वही है कि आप पहुँचे, फ्लाइट से उतरे, फ्लाइट से उतरने के बाद फेरी में पहुँचे और वो फेरी की राइड को एंजॉय करें, फैमिली ट्रिप एंजॉय करें और रॉनेस को एंजॉय करें। तो और ब्रांड की बात जहाँ तक है, हमारे पास सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है और उसका यूटिलाइजेशन हम मेरे ख्याल से परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं। फेरी की आपने बात की, ऊपर ही हमारे न्यूज़ रूम में एक शख्स थे, उनसे मैं जब चर्चा कर रहा था तो उनका कहना था कि भाई वो मुझे बाली की बात बताने लगे। उनका कहना है कि वहाँ जाने पे तो इतना खर्चा आता है, यहाँ अगर आप फेरी की बात कर रहे हैं तो इसमें तो मुझे लगभग उतना ही खर्चा मिल जाएगा, लगभग जब खर्चा हमारा बराबर पड़ जाएगा क्यों ना मैं बाहर चला जाऊँ। तो ये भी एक मैंटेलिटी लोगों की, इस पर भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि एट दी एंड आप इंडिया में हैं, बेशक आप वहाँ परमिशन लेकर जा रहे हैं, इस पर भी मैं अभी आऊँगा, लेकिन आप बाहर जाने की जो फीलिंग चाहते हैं कि भाई आप इंटरनेशनल ट्रिप करके आए हैं, लक्षद्वीप की अगर हम बात करें, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो हो सकता है अपने मन से ये भी लेकर आएँ कि यार वो सुविधाएं नहीं मिली जो इंसान एक बार बाली जा चुका होगा। देखिए, सुविधाओं वाली जनता अलग है, हर तरीके की जनता है। एक जनता है जो लग्जरी स्वीट्स बुक कराती है जो 50,000 रुपये के भी आते हैं, आम आदमी जैसे हमारे न्यूज़ रूम एक आम आदमी है, एक आम आदमी भी है जो जाके चाहता है कि एक बजट ट्रिप करके आए, तो वो बजट ट्रिप मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से बाली या मालदीव्स में हो सकती है। मिनिमम से मिनिमम एक कपल का खर्चा 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपये बनता ही बनता है। अंडमान में भी कई बार जब हम बात करते थे तो ये प्रॉब्लम्स आती थी कि शायद अंडमान में रहना उतना महंगा नहीं था, लेकिन फ्लाइट्स काफ़ी महंगी थी। तो अगर आप किसी तरीके से पहुंच जाते थे कि भाई आप फिर से फ्लाइट लेके आधे रास्ते तक चले जाए और उसके बाद आप फेरी या किसी तरीके से उधर पहुंच जाए, तो उसको सस्ता किया जा सकता है। तो बजट ट्रैवलर के लिए तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी जगह है ही। और इस समय जिस तरीके से YouTube पर रुझान बढ़ रहा है लोगों का, और हर जगह YouTube पर हम लोग जाते हैं कि कोई भी टॉपिक को सर्च कर लीजिए आपको 10,000 वीडियो मिल जाते हैं, लक्षद्वीप पर वीडियोज़ बन रहे हैं बट अभी पहुँच के बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है कजाकिस्तान की तरह, हमें इन्फ्लुएंसर्स खुद पहुंचेंगे, वीडियो वहां दिखाएंगे कि क्या हो रहा है, और खुद भी पैसा कमाएंगे और लोगों का भी हेल्प करेंगे मेरे ख्याल से उस तरीके से। बिल्कुल, इन्फ्लुएंसर पहुंचेंगे इसकी तो उम्मीद की जाएगी, लेकिन वहाँ पर एक जो टॉपिक हम और देखते हैं लक्षद्वीप की बात करते हैं कि भाई वहाँ पहुँचने के लिए कुछ परमिशन लेनी पड़ती है, वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी वो आपको परमिशन देती है, इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या ये एक आपके लिए ऑब्लिगेशन बनता है कि भाई आपको लगता है कि परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे, वहाँ पर परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। उनका कहना है कि भाई वो वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको बचाने के लिए बाहरी लोग वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, परमिशन का एक रिवाज रखा गया है। परमिशन क्या एक ऐसा फैक्टर हो सकता है कि भाई जो हो सकता है लोगों को लगे कि यार परमिशन लेनी पड़ रही है, दिक्कतें आ रही है, ऐसा कुछ? मतलब कुछ लोगों के लिए तो ये हो सकता है कि अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन है तो हमारे फन में हम जो कैंप करने वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें हो सकती है, मगर आप ऐसे देखें तो मालदीव्स भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी कई सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है या वहाँ के भी कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन है जो कि वहाँ पे आपको जाके सेट टू सेट फॉलो करना ही है। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जिस जरिए वो लिख पाए, तो उन्होंने लिखा कि थोड़ी सी रूल ब्रेक हो गई तो उसके बाद बहुत हार्श पनिशमेंट मिला। तो मुझे नहीं लगता है कि ये परमिशन वाला जो एंगल है ये बहुत बड़ा रोड़ा है आपको लक्षद्वीप को एंजॉय करने के लिए। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर टूर और ट्रैवल एजेंसीज वहाँ के टूर्स को थोड़ा आसान कर देते हैं, लोग पहुँचने लगे, तो धीरे धीरे सरकार इस परमिशन वाले चक्कर को भी खत्म कर देगी और लोग शायद एंजॉय ज़्यादा कर पाएंगे। आखिरी सवाल आप दोनों लोगों से एक करना चाहूँगा, 5 साल बाद लक्षद्वीप को आप कहाँ देखते हैं? अगर हम अभी से बात करें, 5 साल बाद लक्षद्वीप को आप देखते हैं एक टूरिस्ट स्पॉट वहाँ पर सेटअप हो चुका होगा, लोग इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे? सरकार का सेटअप करना अलग होता है, लोगों का जाना अलग। देखिए, अभी तो जो फीलिंग है लक्षद्वीप को लेके, ये आप मानते हैं परमानेंट है या फिर ये टेम्परेरी फीलिंग आप मानते हैं? देखिए, एक बार फीलिंग जब आ जाती है तो हो सकती है कि वो लंबे समय तक रहे, और अगर कुछ लोगों को अभी इंजॉय करना है तो कम से कम अभी के लिए तो बेनिफिट है लक्षद्वीप को कि लोग कम से कम सर्च कर रहे हैं कि हम लक्षद्वीप जाएं। और जैसे मैंने पढ़ा था कि लगभग 6 में से 1
जो मालदीव्स का जो टूरिस्ट होता है वो भारतीय होता है, अगर वो भी डाइवर्ट हो जाए इस तरफ तो कमाल होने वाला है। बिल्कुल सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, ये जो सोशल मीडिया की हवा चलती है इसकी लाइफ कितनी होती है? अब सोशल मीडिया की हवा जो चलती है उसकी लाइफ भले ही बहुत ज़्यादा ना रहे, अगर किसी स्टोरी की बात करें तो लाइफ बहुत जल्दी डेड हो जाती है, बट लोकेशन और ये जो वीडियो हम लोगों ने उधर का देखा है वो दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा, तो अगली बार जब भी आदमी सोचेगा कि मुझे कहीं प्लान करना है घूमने का तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि यार लक्षद्वीप ट्राई करके तो देखते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि 5 साल के बाद फॉर श्योर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत आगे होगा लक्षद्वीप, विदेशी डेफिनेटली पहुंच ही रहे होंगे बट भारतीयों का एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन लक्षद्वीप हो जाएगा, जिससे जिस तरीके से अभी गोवा है, गोवा लोग बहुत सारे पहुंचते हैं। अब लोगों ने कहा कि डेवलपमेंट के हिसाब से तो गोवा बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाना चाहिए था, लेकिन वो एसेंस गोवा ने कहीं ना कहीं मेंटेन रखा है। गोवा ने आज भी अपने नॉर्दर्न पार्ट को उतना डेवलप नहीं किया है, वहाँ पर टूरिस्ट को उतना ज़्यादा नहीं पहुँचाया, वो एक दो तरीके का माहौल है, नॉर्दर्न गोवा में शांति मिलेगी नीचे शोर मिलेगा, तो वैसे ही लक्षद्वीप में भी इसी तरीके का कहीं ना कहीं विभाजन दिखने को मिलेगा। एक सॉफ्ट तरीका भी रहेगा जहां पे ट्राइब्स को अपनी जगह मिलेगी बट एक डेवलप्ड जगह भी, सिटी भी हमें दिखाई देगी कुछ टाइम बाद। एम्प्लॉयमेंट भी इसी वजह से जनरेट होगा? एम्प्लॉयमेंट तो फॉर श्योर डेवलप होगा। अभी भी हम लोग देखते हैं कि कहीं भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाते हैं, चाहे उत्तराखंड जाएं चाहे गोवा जाएं, बहुत सारे लोग जो गोवा में, हम जब भी जाते हैं तो मेरे को ये रियलाइज़ होता है कि मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई कहाँ काम करते हैं और गायब कहाँ हो जाते हैं, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं हम गायब कहाँ हो जाते हैं क्योंकि शैक्स वैक्स सब गायब हो जाती है गोवा से। तो ऐसे लोग हैं जो सर्दियों में गोवा आ जाते हैं और गर्मियों में वो हिमाचल या लद्दाख चले जाते हैं। तो उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट डेवलप होगा और छोटी छोटी, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ लक्षद्वीप या सदर्न स्टेट से ही होगा, नॉर्दर्न स्टेट से भी, यूपी, एमपी, बिहार, हर जगह से लोग वहाँ काम करने पहुँचेंगे और ये डेफिनेटली यूथ के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। इनफैक्ट बड़ी कंपनीज़ के लिए भी, बड़े होटल्स के लिए, 5-star ब्रांड्स के लिए भी एक अच्छा स्पॉट है जहाँ पर वो इस समय इन्वेस्ट करके अपने पैसे को भी 40 गुना 50 गुना कर सकते हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर भी इस तरह की खबरें चल रही हैं कि कुछ ऐसे होटल्स हैं जो कि इन्वेस्ट करने की लक्षद्वीप में सोच रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा यहाँ पर जिम्मेदारी होने वाली है भारत सरकार का जो पर्यटन विभाग है, किस तरीके से लक्षद्वीप को डेवलप किया जाए। और आने वाले 5 साल के बाद जब हम इस पर चर्चा करें तो हम ये मानकर बैठे कि लक्षद्वीप एक टॉप स्पॉट होगा इंडिया में घूमने वालों के लिए, साथ ही जो विदेशी आते हैं भारत में उनके लिए भी लक्षद्वीप एक इंपॉर्टेंट जगह होने वाली है। आप लक्षद्वीप जाएंगे नहीं जाएंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।